हैव यू एवर हर्ड गाइस बोस्टिंग अबाउट दैट उन्होंने कितनी लड़कियों की सील तोड़ी है? जिनको नहीं पता, सील तोड़ना इज अ यूफेमिज्म फॉर ब्रेकिंग अ गर्ल्स वर्जिनिटी एंड क्लेमिंग दैट दे वर द फर्स्ट सेक्सुअल पार्टनर द फीमेल एवर हैड। ये क्या है यार, डिड यू हैव सेक्स विद चिप्स का पैकेट या पानी का बॉटल जो तुमने सील तोड़ा? डू यू थिंक दिस इज क्रिएटिव, फनी और एन अचीवमेंट? आज भी लोग लड़कियों की वर्जिनिटी पे ऑब्सेस कर रहे हैं, लाइक दिस केस वेयर एन एफआईआर वाज लॉज्ड अगेंस्ट इन-लॉज ओवर अलेज्ड टॉर्चर ऑफ वुमेन आफ्टर फेल्ड वर्जिनिटी टेस्ट। ओके, कमिंग बैक टू सील तोड़ना, इट्स नथिंग लेस देन चेजिंग अ यूनिकॉर्न, बिकॉज सरप्राइज सरप्राइज, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी इज टोटली मेड अप। सो तुम तोड़ क्या रहे हो, कौन सी सील ब्रेक कर रहे हो? हाइमन, क्या औरतें ढक्कन के साथ पैदा होती हैं? अगर वो ढक्कन उनके रूप आपके बॉयफ्रेंड रूपी इंसान है तो हाँ, बट नहीं, औरतों में से कोई ढक्कन नहीं होता है शुरू से, दे नॉट सील्ड फ्रॉम बर्थ। हाइमन एक टाइप का टिश्यू है, बहुत ही पतला सा, बहुत ही फ्रेजाइल और फ्लिमजी टाइप का, जो आपके वजाइनल एंट्रेंस पे होता है। हाइमन एक पर्दे की तरह होता है, थिंक अबाउट इट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक अ दरवाजा। तो पर्दा का मतलब ये हुआ कि आप पर्दे को थोड़ा सा इधर खिसकाएं तो इधर खिसक जाएगा, थोड़ा सा इधर खिसकाएं तो इधर खिसक जाएगा। ये हर लड़की में नहीं होता है, बहुत सारे लड़कियों में बचपन से ही हाइमन नहीं होता है, या थोड़े लोगों में वो स्पोर्ट्स और जिमनास्टिक्स के वजह से पहले ही टूट जाता है। और ये पूरा एक कंप्लीट शील्ड नहीं रहता है, इसमें ऑलरेडी छोटे छोटे होल्स या छेद रहते हैं जहाँ से आपका पीरियड ब्लड बाहर आता है। पीरियड्स तो यहीं से निकलते हैं ना, हर महीने यहाँ पे अंदर का सब कुछ लाइनिंग जो है, जो यूट्यूब बोलता है कि बच्चा नहीं दिया मैं तुम्हें फेंक दूंगा, एंड ये जो सारी लाइनिंग निकलती है ये तो यहीं से बाहर निकलती है। तो अगर यहाँ एक ढक्कन लगा रहेगा, तो थिंक अबाउट दिस, ऑल द ब्लड दैट वुड एवर कम आउट इन योर पीरियड वुड स्टे ट्रैप्ड, एंड दिस इज नॉट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ये कुछ लोगों में जेन्युइनली होता है। इस कंडीशन को हम एक इम्परफोरेट हाइमन बोलते हैं, ऐसा हाइमन जिसमें छेद हुई ना, एंड हमें फिर छोटा सा छेद करना पड़ता है उनके हाइमन में ताकि ये ब्लड बाहर आ सके, एंड दे कैन कंटिन्यू टू हैव नॉर्मल पीरियड्स। Also, ये जो हाइमन है, कैन इट स्टे इंटैक्ट इवन आफ्टर हैविंग सेक्स? टू आंसर दिस, आई एम गोना टेल यू वन वेरी सिंपल एनेक्डोट ऑफ, दिस वाज पब्लिश्ड इन अ मेडिकल जर्नल ऑफ अ सेक्स वर्कर हु हैड एन इंटैक्ट हाइमन। Your hymen is not an indicator of whether or not you have sex. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम सेक्स पे ब्लीडिंग होना चाहिए। यू नो, अमेज़न पे आई वर्जिन ब्लड फॉर द फर्स्ट नाइट वाज आल्सो सेलिंग एट अ पॉइंट, यू नो, टू फेक देयर वर्जिनिटी। बट क्या सब लोगों को ब्लीडिंग होता है? एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 50-60% वुमेन होते हैं जिनको ब्लीडिंग नहीं होता है आफ्टर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव इंटरकोर्स। व्हाई डू मेन टेक सो मच प्राइड इन बीइंग सील ब्रेकर्स? सबसे पहले इट गिव्स देम अ फॉल्स सेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी, इट्स समथिंग दैट दे कैन शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। नो ब्रो, अगर तू ढंग के लोगों से बात करेगा तो तुझे पता चलेगा कि ये कोई अचीवमेंट नहीं है, एंड ऑफ कोर्स दे थिंक दैट दे हैव बिकम कैसानोवास। दैट टॉकिंग अबाउट वुमेन डिसरिस्पेक्टफुली एंड नॉट केयरिंग अबाउट देम बियॉन्ड सेक्स makes them cool. Well, it does not. It has long been accepted for men to sleep around with multiple partners, which is absolutely fine. But the flip side is that whenever we do that, we're labeled as slut, whore, or a used item, which is absolutely wrong and offensive. You know, the term losing virginity in itself is problematic. Isko hum as a loss kyun dekh rahe hain? What's being lost? Innocence, youth. एक पॉजिटिव लेंस से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज बीइंग लॉस्ट बट अ न्यू एक्सपीरियंस हैज बीन गेन्ड। सो लेट्स ट्राई एंड एजुकेट दोज अराउंड अस सो दैट पीपल स्टॉप लुकिंग एट वुमेन एज कॉन्क्वेस्ट्स। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोज बाय अस।